नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां गोसाईगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रबल उम्मीदवार महिला प्रत्याशी शारदा जायसवाल आज चोरे बाजार पर बने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता भी की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महासचिव ने की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के आईसीसी सदस्य अशोक सिंह ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली जैसे तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते समय उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है, किसानों की बात करती है। उन्होंने कहा, किसानों को गेहूं, बीज, पानी, खाद कैसे मुहैया कराई जाए, इन मुद्दों पर हमारी पार्टी बात करती है। 40 साल से कांग्रेस की पार्टी की सेवा कर रही है, जनता की सेवा कर रही है। आज प्रदेश की जो हालत है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और ख़ास कर हमारी विधानसभा क्षेत्र में दो बाहुबली यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संदेश है कि पंजे की बटन दबाइए और दोनों बाहुबलियों को यहाँ से भगाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए धनगर शक्ति न्यूज़ के साथ। नमस्कार।